जय में सिक्की मैं सैलि फिर फिजी नेरी पर मैं आई हूँ आप लोग से मिलकर परमेश्वर के वचन से चर्चा करने के लिए आए आज हम परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं और वो क्या सिखाना चाहते हैं हर मनुष्य को कलिशिया को है ना? आज का मेरा टॉपिक है लुका तीन के सोलह यहाँ लिखा है तो योहन्ना ने उन सब से कहा मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ परंतु आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंधन खोलूँ खोल सकूँ, वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आँख से बपतिस्मा देगा है ना तो यहाँ बात हो रही है जो आप देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा से और आँख से बपतिस्मा देना एक क्या चीज़ होता है है ना? क्योंकि योन्ना जो था उस समय में आ, जो शुरुआत के जो यशु मसीह का जो सेवा का शुरू होने से पहला परमेश्वर ने आ, एक व्यक्ति ऐसा भेजा जो परमे यीशु मसीह को आने के लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा पहले ही तो इस जो यौनना बपतिस्मा देने वाला जो जाता था और बताता था वो एक चीज उसने धर्म बारे में नहीं प्रचार किया आप पढ़ेंगे तो मती के पुस्तक में आप देखेंगे उसने धर्म के बारे में और नहीं लिखा है ना मसीह ने धर्म के पथ में धर्म के मार्ग आ जाओ ऐसे करके बोला वहां लिखा है पश्चाताप करो मन फिराओ परमेश्वर के राज्य निकट है ये तीन चीजें के बारे में बोला है पश्चाताप करो हर मनुष्य को मन फिराओ अपने मन को फिराना है मार्ग को है ना बदलना है और क्यों क्योंकि परमेश्वर के राज्य निकट है निकट मतलब हमारे बीच में यीशु मसीह हमारे पास में ही जो स्वर्गीय राज्य का खबर लेके आए थे तो ये यौन बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह के बारे में यह बता रहा था जब यौन बपतिस्मा देने देने वाला जो था उसने यीशु मसीह को भी बपतिस्मा दिया था है ना एक एक नियम से जाना जाना पड़ रहा था वहाँ की एक नियम है एक यीशु मसीह स्वयं ने भी बपतिस्मा लिया था वो परमेश्वर होते हुए भी वो पानी का बपतिस्मा लिए थे यीशु मसीह ने क्योंकि एक मनुष्य को आने वाले हमें मानव जाति जब हम प्रभु के चरण में जाते उनके लिए एक उदाहरण के रूप में रूपरण के लिए लेकिन बपतिष्मा लेने से हम स्वर्ग नहीं जाएंगे आप चाहे दस बार पानी में डूबिए आपका पाप क्षमा नहीं होता है जब तक हम यही बात बता रहे प्रभु यीशु मसी की जो यो यौवन्ना जब बता रहे कि मैं तो बस तुम्हें क्या कर रहा हूं कि पानी का बपतीस मैं दे रहा हूँ है ना लेकिन मेरे बाद में आने वाला कौन है परंतु वो आने वाला है यीशु मसीह आ रहे थे उस समय में यशु मसीह का सेवा एक को तैयारी हो रहा था ये यौन बप्तीस में मार्ग तैयार कर रहा था मनुष्य के बीच में तैयारी कर रहे थे मनुष्य को मानव जाति को जो लोग थे उन लोग को मनों को तैयार कर रहे थे यौन बाप्तीस में है ना जैसे यीशु मसीह आए उनको बोल रहे कि वो तो क्या करेगा जब यीशु मसीह तो क्या करेगा वो मुझसे शक्तिमान है बपतिस्मा देने से वो बोल रहे कि मेरे से भी वो शक्तिमान है मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसको जूते का बंधन खोलूं जूते का बंधन मतलब एक इंसान को हम जूते खोलने के लिए उसको लेस खोलने के लिए उसका मतलब क्या है हम बिल्कुल झुकना पड़ता है बिल्कुल झुकना हमें नम्र दीन बनने का मतलब है नीचे अपने आप को नीचा करना है है ना तो यहां वो बोल रहा है मैं तो जूते का बंधन खोलना मैं मतलब तो कुछ योग्य नहीं हूं मैं तो एक इंसान हूं मुझे भी मसीह का जरूरत है वो तुम्हें अब इसके बाद में क्या बोल रहे हो वो तुम्हें पवित्र आत्मा और आँख से बपतिस्मा देगा दो बातें बता रहे हैं एक तो पवित्र आत्मा से एक तो आँख से बपतिस्मा देगा कौन यीशु मसीह है ना तो इसका मतलब क्या है यहाँ है ना आँख का बपतिस्मा और पानी का बपतिस्मा आग और पवित्र आत्मा का पवित्र आत्मा के बारे में तो हम देखेंगे यहाँ पेड़ितों का पुस्तक दो के तीन में हम पढ़ेंगे है ना या क्या लिखा है पवित्र आत्मा के बारे में पेड़ितों का पुस्तक दो के तीन में लिखा है यह लिखा है और उन्हें आग की सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आठरी वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे है ना एक यहाँ पवित्र आत्मा का मतलब ये है कि जब यीशु मसीह ने बोला था मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं सहायक भेजूंगा आज पवित्र आत्मा हमारे लिए क्या काम करते हैं आपको मालूम है पवित्र आत्मा क्या काम करते पवित्र आत्मा हमें बहुत सारे कामें करते है एक में तो आप देखिए रोमियो को आठ के छब्बीस में आप देखिए रोमियो के आठ के छब्बीस में पवित्र आत्मा आज क्या काम करती है आप देखिए है ना ये हमें मसीनों के लिए वचन याद होना बहुत जरूरी है रोमियो का आठ के छब्बीस में लिखा है इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है पवित्र आत्मा हमारे दुर्बलता में सहायता करता है हम कमजोर होते हैं और जो कोई परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा से वो मदद मांगेगा हमें वो मदद करता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए बहुत बार हमें प्रार्थना करना भी नहीं आते हैं कैसा प्रार्थना करना है लोग चाहते प्रेयर करें यीशु मसीह से आता नहीं लेकिन पवित्र आत्मा क्या करता है परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है पवित्र आत्मा हमारे मदद करता है हमारे कैसे परमेश्वर को उत्साह उठाना है कैसे परमेश्वर को प्रशंसा करना है है ना तो हमें वो बता देते सिखाते और दूसरी बात पवित्र आत्मा क्या करते हैं हमें हमारे पापों के बारे में बताती हो जब पवित्र आत्मा के अनुसार हम चलते हैं ना क्योंकि आप देखिए यहाँ लिखा है आठ के एक में देखिए जो में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है जो में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं तो जब हम आत्मा के अनुसार पवित्र अकॉर्डिंग टू पवित्र आत्मा कि पवित्र आत्मा जो हमसे बत, बताती है जो बातें हमें कहती है उसके अनुसार अगर हम चलेंगे हमारे प्रतिदिन हमारे जीवन में उसके अनुसार पवित्र आत्मा के अगुवाई पर हम चलेंगे तो वो उन पर दंड के आज्ञा नहीं है हमारे ऊपर दंड की आज्ञा क्यों पवित्र आत्मा हमें सिखाती है क्या बुराई है क्या गलत है क्या सच्चाई है क्या अपवित्र है क्या पवित्र है पवित्र आत्मा हमें बिल्कुल पारदर्शी पवित्र आत्मा कोई बात नहीं वो पारदर्शी से हमें बता देती तो हम है, बार बोलते हैं हमने। आत्मा हमने पाया है ना? लेकिन आत्मा जब हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाते हैं डोएल करता है बास करते हैं पवित्र आत्मा और हम क्या करते हैं पवित्र आत्मा को हम मौका नहीं देते हैं पवित्र आत्मा को हम अनुमति नहीं देते कि तू मेरे जीवन में हस्तक्षेप कर हस्तक्षेप कर मुझे इंटरफेयर कर प्रभु अगर मैं गलत कर रहा हूं तो तू मुझे इंटरफेयर कर मेरे हस्तक्षेप कर मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा से मैं चलना चाहता हूँ चलना चाहती हूँ अगर ये बोलेंगे ना पवित्र आत्मा आपके जीवन में ये मार्ग नहीं ये मार्ग जाना है इधर नहीं इधर जाना है उस सच्चाई के मार्ग आपको बताएगा पवित्र आत्मा है ना तो इस कारण से जो पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह आने के बाद में ही हमें पवित्र आत्मा पूर्ण रीति से फिर यीशु मसीह ने हमारे लिए स्वर्ग में जाके भेज दिया आज हमारे लिए मददगार है ना तो आग जो होता है आग क्या करती है आज हमारे हमारे आग अब आप, आप उदाहरण के रूप में आग के बारे में देखिए आप घर में न, 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 बाहर हम रोड में चलते लोग आग लगा देते हैं कचड़ा जलाने में आग लगाते हैं और सोना को चोखा करने में आग ही लगा इस्तेमाल करते हैं हर चीज़ में हमें बहुत बार हम आग को क्या करते हैं ध्वस करने में खराबी को ख़त्म करने में है ना गंदगी को ख़त्म करने के रूप में भी हम आग को देखते हैं एक आग ऐसी चीज़ है हमें पवित्रकरण करता है वो हमारे हमारे जीवन में जो गलत है वो हमें जला देता है आग हमें परमेश्वर के आत्मा से हमें आने वाले दिन में फिर क्या करता है दूसरी बात आग के रूप में हम देखेंगे तो प्रकाशित वाक्य में लिखा है इक्कीस के आठ में लिखा है अगर मैं गलत नहीं करूँ तो बहुत जगह लिखा है आग के बारे में लेकिन एक जगह हम देखेंगे यहाँ प्रकाशित वाक्य क्या इक्कीस के आठ में हम देखेंगे यहां देखिए परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और बेबिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है वो यहाँ दूसरी मृत्यु है ये परमेश्वर ने वाला आग क्योंकि आग का मतलब ये है कि हमारा यीशु मसीह ही हमारे लिए मरने के लिए आए यीशु मसीह के पास ही अधिकार है न्याय करने का वो न्याय करने का अधिकार है क्योंकि उसी ने हमारा कर्ज को चुका दिया पाप का जो कर्जा था कर्ज था मुआवजा उसी ने दे दिया है ना कर्ज को चुका दिया तो इस कारण से आज उसी यीशु के पास ही एक इंसान के ऊपर अधिकार है न्याय करने का उन न्याय करेगा हम हम आ, हम क्या है हमने क्या किया क्या नहीं किया हमने यीशु मसीह को जाना या पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग हम चले या नहीं चले उस हिसाब से प्रभु हमें उस आग में हमें फिर आग में जाना पड़ता हमें प्रभु हमें न्याय के दिन में उस आग में डालेंगे आग और गंधक में डाल देंगे है ना तो यहाँ यीशु मसीह जब आए मर मरने के बाद में स्वर्ग चले गए फिर पवित्र आत्मा हमारे लिए सहायक बन के भेजा हमारे लिए और साथ साथ में अब यीशु मसीह है जो हमारे न्याय भी करेंगे क्योंकि उसको यीशु मसीह का अधिकार है आग में डालने का है ना तो आँख बहुत सारा आँख का साइन है आग हमें बहुत सारे बातें हमें बताती है आग के बारे में है ना हमें चोखा करती है आग हमें हमारे मन हमारे जो अंदर है सब कुछ ईसूम से वो ख़त्म कर आग हमें चोखा करने का काम करता है और वो ध्वंस करने का काम भी करता है नष्ट करने का काम भी करता है है ना तो आग का बहुत सारा मीनिंग है लेकिन बाइबल के मीनिंग में भी यही है आग नरक है है ना तो परमेश्वर हमें नरक में जाने से बचाता है वो हमें है ना उसके पास न्याय करने का अधिकार है तो आइए हम पर जो हमारे मसीह है पवित्र आत्मा और अम, हमें पवित्र आत्मा से और आंख से बपतिस्मा देने वाला है वो तो हमें हमारे जीवन को हम पवित्र आत्मा के आधार पर चलने का कोशिश करें प्रभु को अनु अनुअगुआई दें पवित्र आत्मा को से पूछिए इंटरफियरें मांगे आप हस्तक्षेप करने के लिए बोलिए ठीक है तो चलो प्रभु का धन्यवाद तो आइए हम प्रार्थना करें धन्यवाद जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता सच में प्रभु यौन न देने वाले ने भी उसने बोला कि अब जो आने वाला है वो हमें आग जो पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा सच में एक मसीह जीवन में अगर हम पवित्र आत्मा को अनुवाई में उसके अगुआई में नहीं चलेंगे तो हम उस आग के मार्ग में जाने का हमें जगह मिलता है हमें आग जैसा चीज़ है जो हमें नष्ट कर देता है जो भस्म कर देता है वो प्रभु हमें बच चाहिए कि उस न्याय के दिन में प्रभु यीशु मसीह हमारे ऊपर दया करें और हम पवित्र आत्मा के बपतिस्मा लेके उसके दान वरदान से भर के हमारे पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलने वाले हमें बनाना धन्यवाद जीवित परमेश्वर पिता सब कुछ मांगते हैं आपके पुत्र यीशु ख्रीस के नाम से आमेन जय मसीह की सबको प्रभु बहुत आशीष दे आपको अनुग्रह करे दया करे और खुश रहे लाइफ इज फुल ऑफ पजल्स हम आपकी सहायता करेंगे जीवन के उद्देश्य को खोजने में ज्वाइनस ऑन विजनरी टीवी और अब बाइबल स्टडी कीजिए कभी भी और कहीं भी विजनरी टीवी और रेडियो पर